एक शो देखा है जिसका नाम है अवरोध, ये सोनी लिव पर है। इसके ये है जो उरी पे अटैक हुआ था, आर्मी बेस के ऊपर, डोगरा रेजिमेंट, और वो उसके ऊपर अटैक हुआ था, वो वैसा वाला शो है ये। और बहुत अच्छा शो है, पहला सीज़न बहुत मज़ा आया देख के। इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने प्लान करके पाकिस्तान में जाके उनके बेस के ऊपर अटैक किया और वो सब चीज़ें करी, तो बहुत बढ़िया शो बताया इन्होंने। बहुत एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करी है, बहुत नेल बाइटिंग काइंड ऑफ अ शो है। और ये इन्होंने बताया कि कैसे वो पाकिस्तान गए, इन्होंने वो हाफिज सईद था या जो भी था उसको मारा, और कैसे उसको ढूंढा, और लश्कर ए तैयबा का जो भी हेड था उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया, उसके ऊपर ये शो है। और बताया कि कैसे सबको मार के और सब करके इंडिया वाले वापस भी आ गए, तो बहुत अच्छा शो बनाया। इसी के ऊपर उन्होंने अवरोध 2 बनाया। ये फर्स्ट और टू सेकेंड जो दोनों शोज हैं, दे आर बेस्ड ऑन अ बुक, द फियरलेस माइंड करके कुछ ऐसे हमारी हैं, दो बुक्स हैं। जो सेकंड अवरोध है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा शो लगा मुझे, पहला जितना अच्छा लगा सेकंड उतना ही बेकार लगा। सेकंड अवरोध इज़ अबाउट ये जो काउंटरफीट जो डिमोनेटाइजेशन हुई थी 2016 में, मोदी ने करी थी, वो यही बताया था कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसे मार्काज हैं जिन्होंने नकली नोट बहुत ज़्यादा छाप दी हैं और वो इंडियन इकोनॉमी में उन्होंने मिक्स कर दी हैं, तो मोदी हैड टू डू दिस। और क्यों करना पड़ा, कैसे करना पड़ा, ये शो भी ठीक होता, मगर इन्होंने बताया कि जो एक आदमी है ना, जो एक इनकम टैक्स का ऑफिसर है, वो बॉर्डर पार करके वो सब भी कर रहा है, वो इनकम टैक्स का ऑफिसर भी है, वो सब कुछ ही करी जा रहा है, सुपरमैन काइंड ऑफ अ पर्सन। और एक्टर भी इतना अच्छा नहीं है और हैंडसम भी नहीं है। सेकेंड सीजन मेरे को बिल्कुल फर्स्ट से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि सेकंड में बहुत एक्साइटेड होके देख रहा था, मगर सेकंड में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो समहाउ इट डेप्ड इन द सेकंड, इट फ्लंग्ड इन द सेकंड, बट फर्स्ट सीजन तो बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया। ओके okay.